वाह, सोने से चमक रही है मेरी ट्रॉफी। मजा आ गया ट्रॉफी जीत के। ऐसा दिल करता है निहारता था इस ट्रॉफी को। इतनी मस्त लग रही है मेरी ट्रॉफी। बस भी कर, अब कितना निहारेगा इसको। पूरे स्कूल को पता चल गया तूने ट्रॉफी जीती है। हाँ तो स्कूल को पता चला है ना, मोहल्ले को तो पता नहीं चला। मोहल्ले वाले ताने देते हैं ना मेरे को कि नालायक है तू, कुछ भी नहीं करता। अभी ये ट्रॉफी पूरे मोहल्ले में दिखाऊंगा और मोहल्ले में मेरी इज्जत ये इस लेवल पे। अबे ओए, मोहल्ले में भंडारा करवाएगा क्या? अबे भंडारा क्यों करवाऊंगा। ओ भाई ये तू ड्रामे छोड़ दे। अरे भाई ड्रामे क्यों छोड़ दूं? भाई तेरा सुपरस्टार ट्रॉफी भी जीती और साथ में रुपए 2000। 2000? हाँ बिल्कुल, करारा नोट था गुड्डू भाई। 2000 भाई, फिर तो पार्टी बनती है। हाँ बनती है। पार्टी पार्टी किस चीज की पार्टी? 2000 की। ओ भाई मैंने जब बॉक्सिंग मैच जीता था मैंने भी तो दी थी पार्टी। और मेरे बर्थडे की पार्टी? और मेरे बर्थडे पे जो तूने केक भर भर के खाया था वो याद नहीं तेरे को? हाँ तो बर्थडे की पार्टी ले लेना, ये वाली पार्टी नहीं दूंगा मैं। ओ भाई पार्टी तो तेरे को देनी पड़ेगी। मैं नहीं दे रहा। नहीं देगा? नहीं दूंगा। नहीं दे रहा? देख ले। अरे देख लिया। नहीं दे रहा? हाँ ठीक है फिर हम बता देंगे। क्या बता दोगे? यही कि जो तुमने ट्रॉफी जीती है ना वो चीटिंग करके जीती है। तो इससे क्या हो जाएगा है? स्कूल वाले ट्रॉफी वापस थोड़ी ना ले लेंगे। ना ना वापस थोड़ी लेंगे, बस जो तेरे मोहल्ले में तेरी इज्जत बनी है ना उसकी धज्जियां उड़ जाएंगी। अबे धज्जियां नहीं, फालूदा हो जाएगा इज्जत का, फालूदा। भाई, देखो मोहल्ले में इज्जत है ना बड़ी मुश्किल से बनी है, मोहल्ले में किसी को मत बताना। पार्टी ले लो यार, पार्टी ले लो। पक्का? देख ले। हाँ दे रहा फिर? आज ही दूंगा, आज सैटरडे नाइट है ना, तो भाई आज ही पार्टी करते हैं। ठीक है। लेकिन भाई पार्टी यहाँ नहीं करेंगे, पार्टी करेंगे फार्म हाउस पे। ठीक है तुम लोग एक काम करना, अपने अपने घर वालों को बता के आना कि पार्टी करने जा रहे हैं, वो भी फार्म हाउस पे, और अपने कपड़े पैक करके लेके आना। ठीक है? ठीक है। अरे घर वालों को तो हम बता देंगे है ना। चले। हाँ चलो चलो करेंगे पूरी रात पार्टी। 2000 रुपए का नुकसान करवा दिया कमीनों ने, पार्टी चाहिए इनको। अरे यार कहाँ रह गए ये बिंदर, इतनी देर होगी पार्टी के लिए लेट हो रहे हैं और भूख लगी है वो अलग से। कभी हमको धोखा देके भाग तो नहीं गया? अरे नहीं यार पक्का वो हगने गया होगा, 1 घंटा लगाता है, 1 घंटा पूरा। इतना हगता है क्या वो? अरे तुम्हें नहीं पता 1 नंबर का गलीच है, 1 नंबर का गलीच। हगने गया है ना? हाँ। तो टाइम तो लगेगा उसको। हाँ। 1 घंटे। मेरे दिमाग में खुराफाती आइडिया आ रहा है। तो बताना जल्दी बता। मैं क्या सोच रही हूँ, वो आएगा ना उससे पहले हम लोग भूत बन जाते हैं और उसको डरा देते हैं, और वो डर जाएगा, डर के भाग जाएगा, और उसके बाद सारा घर गाने और पार्टी करेंगे। क्या मस्त आइडिया बताए रे बीड़ू। यार भूतों की बात मत करो, कहीं सच में भूत आ गया तो मेरे को बहुत डर लगता है भूतों से। ओ पट्टू जब देखो तब इसकी फटती रहती है भूतों से। क्या भूत? अरे ये भूत ना कुछ नहीं होते, तू मेरे को नहीं जानता। हाँ भूत की ना ऐसी तैसी कर दूंगी मैं, 1 नंबर की तू देखियो। और भूत ना ऐसे मेरे चरण छुएगा, ऐसे कहेगा बहन जी मुझे छोड़ दो, ऐसी हालत कर दूंगी मैं उस भूत की। अरे यार तुम्हें नहीं पता मेरी दादी कहती है अगर कोई भी भूतों की बात करता है ना तो सच में भूत आ जाते हैं। ओ भाई तू एक बात बता, जब हमारे पास डायन बैठी है तो भूत कहाँ से आ जाएगा? डायन कहाँ है? वो रीना। नहीं यार फिर भी भूत आ जाता है। अरे तू टेंशन मत ले, ये भूत ना कुछ नहीं होते। अरे ये तो मेरी चुटकी का ऐसे चुटकी बजाते ऐसे मार के ठीक कर दूंगी उस भूत को। आने दो, उसके ऊपर ऐसे बना दूंगी उसको मोर अच्छा सा। तू ना मुझे भूत बनने दे, उसको डराने दे, जो मजे आएंगे ना आए हाय उसकी शक्ल देखने लायक होगी। जा तू मेकअप निकाल। हाँ यार मेकअप निकालती हूँ फिर हम पार्टी करेंगे। यार कुछ और प्लान बनाते ना। चुप मैं मार दूंगा। ये बनेंगे हम भूत। तू चुप हो जा मानो सब फूट गया। देखना लग रही हूँ ना भूतनी। वाह क्या भूत लग रही है, भूत भी तेरे से डर जाएगा। तो चल अब ना छुप जाते हैं अपन कंबल के अंदर, जैसे ही बिंदर आएगा ना वैसे उसको एक शॉट डरा देंगे। ठीक है चल कंबल ले। करेंगे दारू पार्टी, करेंगे दारू। अबे हट, क्या है ये सब?
आए बड़े डराने वाले, मैं नहीं डरता तुमसे। और ये क्या मेकअप कर रखा तूने है? तेरी तो शक्ल पहले डरावनी थी, इससे आई बड़ी। ये जूता देख रहे हो, फेंक के मारूंगा तीनों के मुंह पे। आए बड़े डराने वाले। डर गया वो, बड़ा कह रही थी ना डर जाएगा, असली भूत का डराएगी। ये तो डरा नहीं तेरे से। हाँ तो असली तो अब भी आ जाए ना, मैं उसको अब भी डरा दूंगी। ये तो ऐ नहीं है। चुप रहे तू, ऐ नहीं है। कुछ भी बोलता रहता है, और वैसे भी ये डर गया था। चलो भाई पार्टी शुरू करते हैं। क्या हो गया भाई, ऐसे क्यों घूर रहे हो? अबे क्या हो गया? दो बिंदर क्या? अरे भाई एक बार उधर देख। क्या बे उधर? उधर क्या? लेकिन फार्म हाउस में भूत आया कहाँ से? अरे ये भी ठीक है, लेकिन आज की पार्टी का तो सत्यानाश हो गया। सैटरडे नाइट तो मेरी गई। पार्टी गई भाड़ में, हम लोगों को अपनी जान की चिंता है, पार्टी तो बाद में भी हो जाएगी। आई मेरी भाई, अगर जान बचानी है ना तो यहाँ से निकलो। चलना फिर। एक मिनट मैं ये चीज तोड़ कुरकुरे उठा लूं। भाई पैसे लगे। अरे भाई पैसे लगे हैं, और भूत कौन सा खाएगा? अब चलो ना जल्दी। ओए कहाँ जा रहे हो तुम लोग मेरे को छोड़ के? पवित्रा, अगर ये पवित्रा है तो हमारे साथ कौन है? भाई अंदर भागो। अबे भाई जल्दी अंदर आओ, दरवाजा बंद कर। भाई ये क्या हो रहा है? जहां देखो वहां भूत, यहां भूत, वहां भूत, हर जगह भूत ही भूत। भाई दिमाग खराब हो गया मेरा तो। भाई अब करना क्या है? अबे हम क्या कर सकते हैं, अब तो जो करेगा वो भूत करेगा। काम करते हैं, वहां वहां चलो, वहां चलते हैं। अबे यार इस भूत ने तो है ना हमारा शेड्यूल ही बदल दिया। पवित्रा, पवित्रा कहाँ है? पता नहीं भाई कहाँ है, बाहरी तो गई थी हमारे साथ। अबे लेकिन वो तो भूत थी ना भाई, कभी भूत तो नहीं खा गया पवित्रा को। अबे पागल है क्या, कैसी बातें कर रहे हैं? कहाँ जा रहे थे मेरे को छोड़ के? हैं अकेले अकेले जा रहे थे? अबे तेरे को भी तो साथ में लेके गए थे, लेकिन तेरी शक्ल में कब भूत निकल गया हमें पता नहीं चला। तेरी शक्ल में वो भूत बाहर खड़ा है हमारी जान लेने के लिए। भूत? मेरी अंशकल? मतलब मैं भी भूत बन गई हूँ क्या? जल्दी इधर आ जा। भाई ये भूत तो है ना हम में से किसी का भी रूप धारण कर सकता है, ऐसे तो ये हम लोगों को चढ़ेगा नहीं, मार देगा। अब ना हम बाहर जा सकते ना हम अंदर रह सकते, अगर अंदर रहे तो भी काम से गए। ये भूत तो बहुत खतरनाक है, कभी इसका रूप धारण कर लेता है, कभी मेरा, और क्या पता आगे किसका रूप धारण कर ले। तू भूत तो नहीं है? नहीं मैं भूत नहीं हूँ। तू भूत तो नहीं है? अरे नहीं भाई मैं भूत नहीं हूँ, मम्मी कसम, भाई मम्मी कसम। भाई कहीं तू भूत तो नहीं है? अबे तेरे सटक गया है क्या? अगर मैं भूत होता तो तेरे से पूछता थोड़ी ना कि तू भूत है या नहीं है, तेरे को डकार गया होता मैं। बात तो सही है। तू भूत तो नहीं है? अरे मैं तो बन चुकी ना, चेक करती हूँ। भूतनी है, भूतनी है।
लेकिन भाई ऐसे तो है ना, हमारी जान को खतरा है, हम कैसे पहचानेंगे कि असली वाला भूत कौन सा है और हम दोस्त कौन से हैं? भाई ऐसे तो मर जाएंगे। भाई कुछ सोच रहा है यार? मैं क्या सोचूं, मेरे दिमाग पे तो पत्थर पड़ गए। तेरा चल रहा है? नहीं, एक काम करते हैं, हाथ में ना धागा बांध लेते हैं अपन चारों हैं, उससे हमें पता चल जाएगा भूत अलग है क्या हम अलग है। हाँ सही कह रही है भाई, सही कह रही है। हाँ आइडिया तो बहुत अच्छा है, एक काम करते हैं निशानी कर लेते हैं, इसने बताया ना हाथ पे कुछ धागा वागा बांध लेते हैं, फिर हम पहचान सकते हैं कि हम दोस्तों में से कोई है या वो भूत है। हाँ। मैं कुछ ढूंढ के लेके आता हूँ। जल्दी जा, आराम से जाइयो। यार कहाँ रह गया ये? पता नहीं कहाँ रह गया। भाई भाई अबे हट ना भाई, ये देखो ये मिल गया धागा, सब है ना अपने अपने हाथ पे बांध लेते हैं, जिससे हमारे और भूत के बीच है ना डिफरेंस हो जाएगा, हम पहचान सकेंगे कि हमारे बीच भूत तो नहीं है। ये लो सब है ना अपने अपने हाथ पे बांध लो, ये बांधे मेरे को देना। हाँ दे रहा हूँ भाई। भाई इसको ज्यादा दियो, ज्यादा डरता है। हाँ अबे यार इसमें मंत्र थोड़े ना फूक रखे हैं। भाई बांधू कैसे? अबे रुक जा भूतनी के। अपने अपने हाथ आगे करो, देखो हम सबके हाथ पे ये धागा है, वो भी एक कलर का। अब हमें पता चल जाएगा हमारे बीच भूत तो नहीं है। हाँ फिर उसको छोड़ेंगे नहीं, और अगर भूत आया तो उसका पक्का इलाज मेरे पास है। ये माला मेरी दादी केदारनाथ धाम से लेके आई थी, और मेरी दादी ने कहा था अगर ये माला किसी बुरी शक्ति के गले में डाल दे तो उसकी शक्तियाँ काम करना बंद कर देती है। अगर भूत हमारे बीच में रूप बदल के आया हमें पता चल जाएगा, क्योंकि हमने धागा बांध रखा है और भूत ने धागा बांधा नहीं होगा, और फिर ये माला उसके गले में डाल के उसका खूब तोड़ेंगे भाई। ठीक है, आप बस उसका वेट करो, भूत आए तो सही। ओए भूत आगे दिखा। अबे ओए रहन दे मेरे बाप, रहन दे मता। तेरे को क्या लगता भूत आएगा? मुझे लगता शायद डर गया हो। अरे वेट करो ना। कब आएगा ये भूत? रुक जाना, मेरे को ना नींद आ रही है। ठीक है सो जा, हम देख लेंगे। भाई फोन मिला के पूछना खा रहा है क्या? हाँ तेरी मम्मी ने दिया था ना मेरे को भूत का नंबर। हाँ बेटा फोन मिला के। अरे यार कहाँ रह गया ये? तीनों सो गए। अरे यार अगर भूत आ गया तो मैं भी सोऊंगा, मैं तो इंतजार करूंगा भूत का, जैसे ही आएगा उसको सबक सिखाऊंगा। मैं नहीं सोऊंगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। यार आग लग गई थी, ये भूत तो नहीं आया, चेक करना पड़ेगा। इसके हाथ पे तो धागा बंधा हुआ है, उसके हाथ पे भी धागा है, तो संचित के हाथ पे धागा नहीं है, इसके हाथ पे धागा नहीं है, इसका मतलब भूत ने इसका रूप धारण किया है। सबको उठाता हूँ। गुड्डू गुड्डू उठ जा। हाँ देख संचित के हाथ पे धागा नहीं है तो पकड़ना इसको। रुक जा पवित्रा, पवित्रा आ गया आ गया आ गया।
भाई अब इसकी शक्तियां चली गई हैं, चलो इसको धोते हैं। चलो हमला हमला। अरे भाई बताओ, अरे भाई तुम दो। ओ भाई गर्दन तोड़ दी भाई तुमने। अबे क्या है भाई, क्यों मार रहे हो मेरे को? अबे तू क्या सोचा है? हमें जैसे मालूम नहीं पड़ेगा कि तू हमारा दोस्त नहीं, भूत है। हमारे दोस्त का तो तूने रूप धारण कर रखा है बस। कब पर मारा क्यों मेरे को भाई? क्योंकि तू भूत है इसलिए। अबे पागल हो गया क्या? संची तू मैं देख 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 संची तू मैं। हाँ तू बोलेगा और हम मान लेंगे। पागल समझा है क्या? हम सब लोगों ने अपने हाथ पे ये सेम कलर का धागा बांध रखा था जो तेरे हाथ पे तो है ही नहीं। अबे ये तेरा धागा। धागा धागा कहाँ है? कहाँ है धागा? कहाँ है धागा? वही तो शाना बन रहा है, डेढ़ शाना। अब तेरे को हम तोड़ेंगे क्योंकि तेरी शक्तियाँ सारी खत्म हो चुकी है। ये माला हमने तेरे गले में डाल रखी है। अबे भाई मेरी तो सुन लो भाई, मैं संचित हूँ भाई, मैं भूत नहीं हूँ यार। मैं भूत होगा तू मैं खा नहीं जाता अब तक। खाएगा कैसे, शक्तियाँ तो तेरी सारी खत्म हो गई। बहुत अच्छा हुआ इसने देख लिया था। हाँ हम तो सो ही गए थे। एक मिनट मेरा और थप्पड़ मारने का मन है। आप है ना वैसा हम कहेंगे वैसा तेरे को करना पड़ेगा, समझा? अबे भाई मैं तुम्हारा दोस्त हूँ संजीत भाई, क्यों मार रहे हो? अबे ओ पागल मत बना, एक बार है ना तेरी दुनाई हो चुकी है, दूसरी बार करें क्या? हाँ। बोल मारे मारे। ये रहा वो धागा जो तुमने अपने दोस्त के हाथ में बांधा था। तुम्हें क्या लगा मुझे बेवकूफ बना दोगे? मैं भी शैतान हूँ, इतनी जल्दी बेवकूफ नहीं बनूंगा। तुम्हारे दोस्त के हाथ से ये धागा मैंने खोल दिया और तुम्हारे दोस्त को तुम्हारे हाथों से ही पिटवा दिया। अरे एक मिनट भूत अंकल, जब से आए हैं इस घर में तब से कंफ्यूजन चल रहा है। इधर से वहां भगा रहे हो, वहां से उधर भगा रहे हो, हैं? ऐसे थोड़े ना होता है, भागम भाग, कभी इसका रूप धारण कर लेते हो कभी मेरा। ये चक्कर क्या है? हमने क्या बिगाड़ा आपका? तुम लोगों ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। मैं तो यहाँ से शांति से जा रहा था और इस लड़की ने बोला कि ये भूत को मार देगी, भूत की हड्डी बस नहीं कर देगी, और यही बात मेरे ईगो में लग गई और मेरी ईगो हट हो गई। लेकिन अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, तुम लोगों से बदला लेके रहूंगा और बस इस लड़की के साथ तुम सब भी मरोगे। नहीं छोड़ूंगा मैं किसी को। भूत भाई साहब, मैं तो ऐसे इसको डराने के लिए, मतलब अपनी टोर बनाने के लिए कह रही थी। मैं कोई सच में थोड़ी ऐसे करने वाली थी। ये चुप हो जा तू, अब पता नहीं क्या निकल जाएगा तेरे मुंह से। तेरी वजह से इसकी ईगो हट हो गई, अब ये हमारी ईगो हट करेगा, खाने का हमको। अरे भूत अंकल यार हमारे बात समझ नहीं आ रही। देखो लोग मरने के बाद है ना स्वर्ग या नरक में चले जाते हैं, आप यहाँ घूम रहे हो, बताओ आप क्यों नहीं गए? हाँ चलो सुनो, एक बार मैं पैदा हुआ। सारे होते एक बार पैदा, हम भी हुए, आगे बताओ। उसके बाद मैं 22 साल का हुआ, उसके बाद मैं बड़ा हुआ, मैंने सोचा मेरे बाल बच्चे होंगे, मेरा भी घर होगा, मेरी भी एक जान होगी। लेकिन वो जान 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 कहते कहते मेरी जान ले गई और तब से मैं एक आत्मा की तरह भटक रहा हूँ, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। और मेरी आत्मा को तब से शांति नहीं मिली। शांति? मेरी आत्मा को अब जब भी शांति मिलेगी जब मेरी किसी जान से शादी होगी। शांति कैसे दिलाई इसको? मेरे को क्या पता। ओए तू जानता है क्या शांति को? पड़ोस में ना एक मेड काम करती, शांति नाम है उसका, उसको बुला दू? अबे चुप कर जा, कॉमेडी मत कर वरना तेरा फूफा खा जाएगा। और अब मैं तुम लोगों को तड़पा तड़पा के मारूंगा, तब आएगा मेरे को असली मजा। इस लड़की के साथ तुम तीनों भी मरोगे। हमें क्यों इसने? अरे हमारी बात तो सुना। अरे भूत अंकल इसने इसने आप तो सुना।
अरे यार इन भूतों का भी अलग मंडा है, जब मर्जी जहाँ मर्जी प्रकट हो जाते हैं, जब मर्जी जहाँ मर्जी से गायब हो जाते हैं। सही कह रहा है, और ईगो वाली तो कोई बात ही नहीं थी। तू चुप कर जा। आई मड़ी, अब यार इस भूत को शांति कैसे दिलाए? भाई तो ये कुछ सोचना यार विंदर भाई, प्लीज सोच यार। सोच भाई, सोचना जल्दी सोच। मैं सोच लूं क्या? चुप भाई, उसको करनी है शादी, उसको चाहिए पत्नी, तब मिलेगी उसको शांति, समझ रहे हो? उसकी शादी करवानी पड़ेगी। पर भाई उसको तो जान चाहिए ना। अरे भाई अगर उसको पत्नी मिलेगी तो वो उसको जान जान बोलेगी। हाँ। तो पत्नी जान प्लस शांति, ओल ओके, समझा? समझे भाई? समझे ना? बस उसके लिए लड़की का इंतजाम करना है। कहाँ से करेगा लड़की का इंतजाम? अरे हमारे पास लड़की है तो। कहाँ है? ये नहीं, ये करेगी उससे शादी। पागल है क्या? भूत से शादी करूंगी कोई मैं? लड़की हूँ मैं। ए चुप कर जा, समझी? वैसे भी हम सब है ना मुसीबत में, तेरी वजह से पड़े हैं। आई बड़ी, अब तेरे को शादी करनी पड़ेगी बहन, हमें बचाना है तो। मैं नहीं करूंगी, मैं भूत से थोड़ी शादी करूंगी, मुझे कहा गया तो। चुप कर जा वरना ये तेरे प्रवचन सुन सुन के हम पहले ही मर जाएंगे। तुमको मैं लड़का थोड़ी है। अरे मेरी बात सुन, मेरे पास है ना पूरा प्लान, सुनो तुम इधर आओ। हाँ देखो, भूत को थोड़ी ना पता है कि शादी कैसी होती है। हाँ हम तेरी नकली शादी करवाएंगे। हाँ। आधे फेरे। हाँ। ना वो मांग वाली रसम। हाँ। ना मंगलसूत्र वाली रसम, भूत को जाल में फंसा के फिर उसको शांति दिला के फिर तू भी आजाद हम भी आजाद और फिर करेंगे पार्टी। पक्का बचा लोगे ना मुझे? अब तेरी वजह से हम फंसे हैं, तेरे को इतना तो करना पड़ेगा, और बाकी विश्वास रख हम पे, हम मरने थोड़े ना देंगे तेरे को। हाँ, तेरे दोस्त जो है हम। पक्का ना? हाँ पक्का। उसके साथ लपेट दो मुझे। नहीं नहीं चलो शादी की तैयारी करते हैं, भूत को मनाते हैं। चल चल आ जाओ, रेडी हो ना? चल भूत अंकल। भूत जी। भूत भैया। हेलो अंकल। वाह 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 वाह, क्या जोड़ी लग रही है, सुभान अल्लाह माशा अल्लाह। एक तरफ भूत, दूसरी तरफ परी। नहीं भाई, एक तरफ रणवीर, दूसरी तरफ आलिया। आलिया बहुत अच्छे लग रहे हो आप, नजर ना लगे। क्या हो रहा है ये? और ये मुखौटा क्यों पहना रखा है? और ये लड़की, ये तो मेरा शिकार है, इसको तो मैं मार के खाऊंगा। ओ मर गया है, अकल अब भी नहीं आई तेरे को है? शांति चाहिए ना, मुक्ति चाहिए। हाँ बस उसी का इंतजाम कर रहे हैं तेरे लिए। कैसे मतलब? आपकी शादी नहीं हुई थी ना, कवारे मर गए थे आप, बस आपकी शादी करवा रहे हैं इस लड़की के साथ, फिर आप कवारे नहीं रहोगे, आपको मुक्ति मिल जाएगी। ये जो आप तड़प रहे हो ना, ये तड़प सारी खत्म हो जाएगी। मेरी शादी कराओगे इस लड़की से? मुझे नहीं करनी। पर ये तो मना कर रही है। अरे बुज्जी, ऐसा तो सब लड़कियां बोलती हैं, बताओ कौन सी लड़की है घर छोड़ के खुशी खुशी जाती है? थोड़ा रोना धोना नाटा नूटी तो होती रहती है। और तो आप इसको अपने साथ पताल लोक भी ले जा सकते हो। अब शादी के इसमें शुरू करते हैं। ये लीजिए वरमाला, एक दूसरे को डालिए। ले पकड़ना, मरवाएगी क्या? एक दूसरे को। फेरों की रस्म शुरू करते हैं, फेरे लीजिए। ओम भगवान विष्णु। आजा, ये तो आ नहीं रही। अरे घसीटिए ना, झलक दिखला आजा, झलक दिखला आजा, एक बार आजा 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 आजा। उन्नी बदरा हुई डारली तेरे लिए, बस 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 शादी संपन्न हुई। पागल समझा मेरे को है? चार फेरे लिए मैंने, चार और सात फेरे होते हैं, इतना पागल तो नहीं हूं मैं। थूक मत मेरे मुंह पे, सिस्टम बदल गया है। अगर इसको रुकना होगा तो दो फेरों में रुक जाएगी, तूने तो फिर भी चार काट लिए। अगर फिर भी संतुष्टि नहीं आ रही तो पूरी रात चक्कर काट लो। हमारा क्या, हम तो करवा देंगे फेरे। हाँ हमें तो मंत्र ही पढ़ने हैं। सही कह रहा है, इंटेलिजेंट है ये बहुत। हाँ अब शादी संपन्न हुई। हाँ हो गई, अब आपको मुक्ति मिल जाएगी। हनीमून पे नहीं जाना क्या? हाँ बताओ, खाकी टिकट बुक करनी अभी कर देता हूँ। बाली 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 चले बाली की बाली कर दी।
एक काम करो, आप निकलो, ये तो हवाई जहाज से आएगी ना, आप तो कहीं भी जा सकते हो, आपके अंदर तो शक्ति है। सुपरमैन हो ना? हाँ, पावर है मेरे पास, ऐसे जाऊंगा सुपरमैन की तरह। ठीक है ठीक है, इसका ध्यान रखना, भाभी है तुम्हारी। चलता हूँ मैं। देखा, भूत गया, भूत भाग गया, उसका मतलब मुक्ति मिल गई उसको। वापस तो नहीं आ जाएगा? अरे नहीं आएगा, देखा हमने तेरी नकली शादी करवा कर जान बचा ली। हाँ, मुझे तो लगा असली शादी करवा रहे हो। अरे पागल है क्या, असली शादी तेरे से कौन करेगा? डायन, हमारा मतलब निकलना है ये बाहर। निकल इसको, काम करते हैं जल्दी से, यहाँ से निकलते हैं भाई, यहाँ ना खतरे से कम नहीं है। सही कह रहे, चल 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 चल, पार्टी यही होती है।